ये बात निश्चित है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यवस्था में कैश कितना, चेक कितना, एक कारोबार डेवलप हो चुका है और एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बना है। जब तक आप उसको गहरी चोट नहीं लगाओगे तब तक स्थिति से बाहर नहीं आओगे। और इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, आपने किस प्रकार से देश चलाया, ऐसा लगता है कि कुछ दलों के दिलो दिमाग में चारवाक का मंत्र उनके जिंदगी में बहुत काम आ गया है। उन्होंने चारवाक के ही मंत्र को लेकर के शायद, और तभी जाकर के कोई अंग्रेजी कवि को उल्लेख करते हुए ये भी कह देते बड़े बड़े व्यक्ति कि मरने के बाद क्या है, क्या देखा है, अभी तो चारवे का तत्व ज्ञान है। मैं उस सदन में जाऊंगा तब इसका उल्लेख बराबर डिटेल में करूंगा। लेकिन चारवाक कहते थे यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत वस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार थे, ये घी कहां भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरुहत पीने की चर्चा करनी पड़ती, लेकिन इस प्रकार की फिलॉसफी से कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी तो आपने ऐसे समय ऐसा निर्णय क्यों किया। ये बात सही है, आप जानते हैं अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वो कहता है पहले भाई शरीर ठीक करना पड़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा, डीटना कंट्रोल करना पड़ेगा, 7-8-10 और मशवरा, फिर बाद में ऑपरेशन करते हैं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है ऑपरेशन करना नहीं पसंद करता डॉक्टर, कितनी भी गंभीर स्थिति हो। डीमोनिटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी, अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी, और इसी समय दूसरा इसका समय, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है, इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है करीब करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है, यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग व्यापार किसानी सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है, उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने, ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही है। और इसलिए आप ये भी जानते हैं एक जमाना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मर मर्जी पर, एक समय था जब देश में
एक समय था जब देश में इनकम टैक्स अधिकारी मनमर्जी पड़े वहां जाकर के धमकते थे और बाकी क्या होता था पुराना इतिहास को जो दोहराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। अब उसमें से टॉप नामों को टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ एसएमएस करके पूछना है कि भाई जरा बताइए डिटेल क्या है। आप देखिए किसी भी प्रकार का अफसरशाही के बिना जिसको भी मुख्य धारा में आना है उसके लिए एक अवसर प्राप्त हो चुका है। और मैं मानता हूं इससे बहुत क्लीन इंडिया, जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है, वैसा ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।